हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेड जी एग्जाम, ए प्लेस वेयर वी प्रीफर स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज का जो अपन का टॉपिक है वो एंड गेम सीरीज का टॉपिक है। ठीक है, ये एंड गेम सीरीज चल रहा है, लास्ट मोमेंट है, 60 डेज का ये सीरीज चलेगा। ठीक है, 2 मंथ्स का। इसमें आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट टू, यानी सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन हमने बताया था कि हर एक चैप्टर का हम कितना क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चंस करेंगे। कितने क्वेश्चंस करेंगे? 10। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं अपन। तो देखो, 5 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इस चैप्टर में, अब क्या करना है, 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो जो 6th क्वेश्चन है वो क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू। तो डी ऑर्बिटल के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है डी ऑर्बिटल में, उसके लिए आपको क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई। ठीक है, ये क्या हो गया, एच बाई 2 पाई हो गया। अब यहां पर देखो, गौर करना, यहां पर ये जो L है, ये L क्या है, ये L एजीमुथल काउंटर नंबर है। क्या है? एजीमुथल काउंटर नंबर, जिसे आप L से रिप्रेजेंट करते हो। तो D के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे, रूट अंडर 2 इंटू 3 हो जाएगा ये, और H बाई 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये कितना हो गया, रूट अंडर 6 H बाई 2 पाई। अब एक बात पे गौर करना, यहां पर ये क्या H बार यूज किया हमने, ये जो है इसे आप एच बार कहते हो। क्या कहते हैं इसे? एच बार कहते हैं। ये जो है ये एच बार हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, एच बार है। तो इसका क्या मतलब होता है, ये जो होता है ये रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट होता है ये। ठीक है, ये रिड्यूस्ड होता है, यानी एच बाई 2 पाई को अपन क्या लिख सकते हैं, एच बाई 2 पाई को अपन क्या लिखते हैं, एच बार लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर से आप वैल्यू पुट करोगे, रूट अंडर 6 H बार, ये आंसर आ जाएगा आपका, यानी आंसर क्या आ गया, बी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कोरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। यानी यहां पर जो डाटा दिया हुआ, डाटा जो है वो क्या है, लेमडा की वैल्यू दी है, कितनी दी हुई है, 45 नैनोमीटर। एनर्जी आपको जूल में फाइंड आउट करना है, SI यूनिट में, तो आप इसे क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे। यानी ये कितना हो जाएगा, 45 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। ठीक है, अब क्या करना है, अपन को एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल सा यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, एच यहाँ पर क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, सी क्या हो गया, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा क्या हो गया, वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? अब देखो यहां पर से अपन वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है। एच का वैल्यू कितना होता है, 6.63 × 10⁻³⁴ J/s। ये एच होगी अपन, स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा, सी के वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 10⁸ m/s। कोई डाउट नहीं? अब लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे, मीटर में, नैनोमीटर में गिवन था, उसे मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो कितना आ गया, 45 × 10⁻⁹ m। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देख लो यहाँ पर से, ये 3 है तो ये 15 हो जाएगा यहाँ पर, और ये लगभग 4 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4.42 के लगभग आएगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो है आप इसे यहाँ पर ये पावर को कट करोगे, ठीक है, पावर रिड्यूस करोगे, तो ये ऑब्वियसली आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4.42 × 10⁻¹⁸ क्या आ जाएगा, जूल। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, आंसर आप सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर फाइंड आउट करो, आपका जो आंसर आएगा उसे फिर वीडियो को रिज्यूम करो, सॉल्यूशन देखो अपने आप को, यहाँ पर आप क्या करो, कंपेयर करो, देखो कि आपकी कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या है। यहाँ पर आपको वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल नोड्स आर प्रेजेंट इन। टोटल नोड्स निकालना है, ये भी बता चुका हूँ मैं लास्ट क्लास में, लास्ट जो लेक्चर था जो सॉल्व करा था हमने, वहाँ पर एक पूरा का पूरा डेफिनेशन दिया था। ठीक है, पूरा का पूरा आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ था। तो देखो फॉर्मूला में क्या था, टोटल नंबर ऑफ नोड्स,
ये था, फिर से बता दे रहा हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन माइनस वन। एन क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या आया था अपन का, रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स कितने हो गए थे? रेडियल नोड्स इज इक्वल टू एन माइनस एल माइनस वन, एन माइनस एल माइनस वन। यहाँ पर एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एल क्या हो गया यहाँ पर? एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट में क्या था आपको दिया गया था? एंगुलर नोड्स निकालने के लिए, एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स कितने हो गए थे आपके? ये एल के इक्वल हो जाता है, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू दिया रहेगा उसके इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स उसमें। एक होता लास्ट क्या था? नोडल प्लेन्स, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, क्या था? नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई थी? इसकी भी वैल्यू एल की इक्वल हो गई थी। तो ये नोडल प्लेन, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, रेडियल नोड्स का जो सिंपल सा फॉर्मूला, ये चार फॉर्मूला था, आप इसे याद कर लो, ठीक है, आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो अब देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल नोड्स, यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करना है, यानी अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर देखो फाइव, यहाँ पर फाइव क्या हो गया? ये एन का वैल्यू हो गया, दैट इज प्रिंसिपल काउंटर नंबर। एस यहाँ पर क्या हो गया? एजीमुथल काउंटर नंबर हो गया, या सबसेल कह दो, ठीक है। एस के लिए क्या हो जाती है? जीरो हो जाता है वैल्यू। फाइव यहाँ पर सारे जितने भी फाइव हैं, ये फाइव, ये फाइव, ये फाइव, ये सारे क्या है? प्रिंसिपल काउंटर नंबर है, ठीक है। अपन को फॉर्मूला में क्या चाहिए? प्रिंसिपल काउंटर नंबर ही चाहिए। तो सब में देखो प्रिंसिपल काउंटर नंबर सेम है, कितने हैं सब में? सब में फाइव फाइव है, दैट मीन्स सबका जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होगा वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ नोड्स, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ नोड्स किस पर डिपेंड कर रहे हैं? प्रिंसिपल काउंटर नंबर पे, और प्रिंसिपल काउंटर नंबर सबके लिए सेम है, यानी ए के लिए भी सेम है, बी के लिए भी सेम है, और सी ऑप्शन के लिए भी सेम है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इससे इतनी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट अकॉर्डेंस टू अबव प्रिंसिपल्स। अबव प्रिंसिपल किस पे बेस्ड थे? एन प्लस एल रूल पे था। किस पे बेस्ड था? एन प्लस एल रूल पे। एन प्लस एल रूल क्या है? ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है, ठीक है। तो जितनी कम ऑर्बिटल की एनर्जी रहेगी वो पहले फील्ड होगा, उसके बाद क्या होगा? ज्यादा एनर्जी ऑर्बिटल की फील्ड होगी। तो अब यहां पर दो ही ऑर्बिटल सब में, सारे ऑप्शन में है। तो देखो एक 2s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, तो एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल, n प्लस एल रूल देखोगे, n यहाँ पर कितना है? 2 है, s कितना है? 0 है, यानी n प्लस एल कितना हो गया? 2 हो गया, और 2p के लिए n प्लस एल कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन 2p ऑर्बिटल, यहाँ से ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहले क्या फील होगा? पहले 2s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां पर जाएंगे? 2p ऑर्बिटल्स को फिल करने जाएंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो यहां पर देखो, तो आपके यहां पर क्या है? ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए सही है, कोई इश्यू नहीं है ऑप्शन ए में, ठीक है। पहले इसने 2s ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन डाल दिया, फिर उसके बाद 2p ऑर्बिटल्स में ये मूव कर गया। ऑप्शन बी भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। अब देखो ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में क्या इशू है कि 2s ऑर्बिटल अभी कंप्लीटली फिल्ड हुआ नहीं और इसने 2p ऑर्बिटल को फिल करना स्टार्ट कर दिया, ये वाला जो है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? ये ऐसे होना चाहिए था, पहले 2s ऑर्बिटल फिल होता, उसके बाद 2p ऑर्बिटल फिल होना स्टार्ट होते हैं। तो यहां पर कौन सा फॉल्स है? तो यहां पर ये सी ऑप्शन जो है ये गलत है, दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस, ठीक है, टू अबव प्रिंसिपल। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। यहां पर इससे देख लेते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये केवल क्या है? ये गलत है, क्योंकि यहां पर क्या है? पहले 2s ऑर्बिटल फिल होगा, क्या होगा? 2s ऑर्बिटल फिल होगा, उसके बाद क्या होगा? 2p ऑर्बिटल स्टार्ट होगी फिल होना। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। एन प्लस एल रूल पे होता है अबव प्रिंसिपल्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है? सपोज आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 270 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना है, कितना डेटा दिया हुआ है? डेटा अपना दिया हुआ है आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 270 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन विच इलेक्ट्रॉन हैज द एनर्जी इक्वल टू -30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है यहाँ पर? कोई डाउट नहीं। चलो क्वेश्चन क्लियर है, दो डेटा दिया हुआ, आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और एनर्जी निकालनी है उस
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जिसकी एनर्जी कितनी है, इक्वल टू -30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर है, चलो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन के लिए आप जब निकालते हो तो क्या लिखते हो, एनर्जी इन nth ऑर्बिटल, ठीक है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल बोल दो या ये सेल बोल दो, nth सेल बोल देते हैं, ऑर्बिटल गलत होगा क्या ना, ठीक है, एनर्जी ऑफ nth सेल। तो यहां पर क्या होता है, nth सेल इज इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल माइनस, ठीक है, ये चीज को याद रखना है, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हो गया, जेड यहां पर क्या हो गया, जेड यहां पर एटॉमिक नंबर हो गया, जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है, और एन क्या हो गया, ये नंबर ऑफ सेल, ठीक है, एन एच सेल के जो नंबर, आप जो नंबर सेल का निकालना चाह रहे हो उसकी नंबरिंग हो गई, ठीक है, ये सेल नंबर हो गया, इसे आप कह सकते हो सेल नंबर, जिसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हो, जिससे एन की वैल्यू रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहां पर अपन को क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, क्या फाइंड आउट करना है, इस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा ही होगा हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस या हाइड्रोजन के लिए क्या लेते हैं, -13.6 लेते थे, लेकिन यहां पर क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, 270 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको यूज करके अपन निकालेंगे, ठीक है। तो nth ऑर्बिट, ये nth सेल का जो एनर्जी दिया हुआ कितना दिया हुआ है, -30, तो -30 इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो -30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, तो माइनस के साथ होगा, 270 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, जेड स्क्वायर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा अपन का। अब देखो ये क्या है, एन स्क्वायर, यही फाइंड आउट करना है अपन को, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप यहां से कैंसिल आउट कर सकते हो, यानी एन स्क्वायर लिख सकते हो आप, एन स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस, इधर माइनस से कट जाएगा, कोई डाउट नहीं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 270 अपॉन 30 इंटू 1 स्क्वायर, क्लियर है, तो यहां से ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी किस सेल की बात कर रहा है, ये थर्ड सेल की बात कर रहा है, यानी थर्ड सेल में जो एनर्जी, थर्ड सेल की जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, -30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है, यहां से कोई भी डाउट नहीं, ठीक है। आप क्या करोगे, फर्दर और भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, आपका जो भी डाउट होगा सारा क्लियर होगा इंस्टेंटली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अभी देखो यार अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, 60 डेज का टाइम है, आप मेरे को फॉलो करो, मैं क्या करूंगा आपके सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं सब में से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा विथ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, वहां से आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी बनेंगे, बस आपको क्या करना है, मेरे को फॉलो करते रहो, ठीक है। और यहां पर जब मैं क्वेश्चन बताऊं आप वीडियो को पॉज करो, वहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर जब आप सॉल्व कर लोगे तो वीडियो को रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखो, अपने आप को कंपेयर करो, देखो कि आपके प्रिपरेशन लेवल कितनी है, ठीक है। चलो फिर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर PDF डाउनलोड करना है तो जो लिंक है वो कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।